हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम पर फुल फोटो कैसे अपलोड कर सकते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने इंस्टाग्राम पर फुल फोटो कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कैसे पूरा फोटो डाल सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विशाल। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पर है और आप देख सकते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी फ़ोटो को अपलोड करना चाहते हैं यानी कि पोस्ट करना चाहते हैं तो उसका जो फ़ोटो का ऊपर या नीचे का पार्ट होता है वो कट हो जाता है, क्रॉप हो जाता है। चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पर गए, पोस्ट पे क्लिक किया तो जैसा कि मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से यहाँ पर कट हो रहा है। मैं इसको छोटा भी कर दूँ फिर भी यह जो ऊपर और नीचे का पार्ट है वो कट हो जा रहा है, यहाँ से क्रॉप हो जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा फ़ोटो को अपलोड करना है, पूरा फ़ोटो को पोस्ट करना है हम अपने गैलरी में। तो चलिए उसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, इसका नाम है इनशॉट। जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे, बस आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में और इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। अब ओपन होने के बाद अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं जैसे कि फ़ोटो, वीडियो। तो हमें यहाँ पर देखना है फ़ोटो को कैसे हम यहाँ पर ऊपर नीचे से क्रॉप होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें फ़ोटो को एक अपलोड करना होगा, यहाँ से उसी फ़ोटो को हम सेलेक्ट करते हैं और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका जो फ़ोटो का ऊपर नीचे का पार्ट है वो क्रॉप नहीं हो रहा है। और यहाँ से आप चाहे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कैनवास का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका जो साइज़ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको साइज़ चाहिए वो आप साइज़ को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल 1:1 का यहाँ पर रेशियो हम रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ से आप चाहे तो बैकग्राउंड का जो ये ब्लर है आप चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। फिलहाल हम ब्लर ही रहने देते हैं और उसके बाद राइट पर क्लिक कीजिए और सेव पर क्लिक कीजिए। तो ये जो आपका फ़ोटो है वो अब सेव हो चुका है और अब इस फ़ोटो को आप जब अपलोड करेंगे अपने इंस्टाग्राम पे तो ये फ़ोटो जो है वो कहीं से भी क्रॉप नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुका है और इस फ़ोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया और अब आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे कहीं से भी ये फ़ोटो जो है वो क्रॉप नहीं हो चुका है और ये पूरा का पूरा फ़ोटो हमारे फ़ोन में अपलोड होने वाला है इंस्टा पे। तो चलिए यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो फिल्टर भी डाल सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर सही पे क्लिक कर देना है और ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो फुल साइज में अपलोड हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोटो है वो फुल साइज में अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से आप भी अपने इंस्टाग्राम पर फ़ोटो को क्रॉप होने से बचा सकते हैं और पूरा फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।